एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आज दो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। पहला है एमपीएड का, दूसरा है एमएड का। बीएड के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बीएड का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। 15 नवंबर के आसपास बीए का रिजल्ट आ सकता है। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, यहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर डालना है, आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा, केवल रिजल्ट देख के मत निकल जाइएगा। पहले नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में यहाँ पे बता दिया गया है जो मेरिट आपकी बनाई गई है उसके अंदर आपका जो रिटन टेस्ट है, जो आपने फिजिकल फिटनेस का टेस्ट दिया है वो, और जो भी वेटेज वगैरह हैं उन सबको मिलाकर आपकी ये मेरिट जनरेट की गई है। दूसरे पॉइंट में आपके लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसको आप रीड कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहां पर आपको बता दिया गया है जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, बीपीएड की मार्कशीट है, और यदि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है या आपने जो भी अदर सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते वक्त साथ में लगाए थे वो सारे आपको लेके जाने होंगे। और साथ में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, वो है आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। बाकी सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाने होंगे, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, लेकिन ये आपके वहां पर जमा हो जाएंगे, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाइएगा। इन सबसे अलग एक इन्फॉर्मेशन, साथ में आधार कार्ड भी अपना लेके जाइएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं जिसमें वो आधार कार्ड की कॉपी भी मांग रहे हैं, तो आप अपना आधार कार्ड भी जरूर ले जाइएगा। तीसरे पॉइंट में लिख दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि कोई गड़बड़ हुई तो आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में आपको फी डिपॉजिट करने की डेट दे दी गई है, उसको आप रीड कर लीजिए। 17 नवंबर 2021, 18 नवंबर 2021 यहां पे लिख दी गई है। यदि आप अपनी फी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो जो वेटिंग में स्टूडेंट है उनका नाम आ जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नीचे जो है फी की डिटेल दे दी गई है, आपको फी कैसे डिपॉजिट करनी है, कितनी डिपॉजिट करनी है। जो ट्यूशन फी है वो आपकी 20,000 रुपए है, जो DSW फी और कॉजन मनी है वो 1,190 रुपए, यानी कि टोटल जो फी हो गई आपकी वो 21,190 रुपए आपको डिपॉजिट करनी है। छठे नंबर के पॉइंट में हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया गया है कि वो आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा, हो सकता है ऑनलाइन आए, लेकिन अभी भी जब आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो वहां पर आपने हॉस्टल यस नो कर दिया होगा। अब जब आप अपनी काउंसलिंग के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे, तब आप वहां पे पता करके आइएगा कि हॉस्टल का फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना है या ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन के फॉर्म भी वहां पर स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं, वो ऑफलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो आपको वहां पे सबमिट करना पड़ सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक ही बार में जाके यूनिवर्सिटी से लेके आ जाइएगा। आगे चलते हैं, देखिए दूसरे नंबर पर वहां पर एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, वो है आपकी मेरिट लिस्ट। इस मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट दिए गए हैं। यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं वो है 25, और मेरिट की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 69 से, और जो मिनिमम गया है वो गया है 44 पर। तो इस तरीके से ये मेरिट है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, एमपीएड की। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओबीसी की कट ऑफ भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है आपके 14, और मेरिट स्टार्ट हुई है आपकी 53.5 से, और जो मिनिमम गया है वो है 30। 30 पर गया है एससी कैटेगरी में, आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके 7। मेरिट की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 55.5 से, और मिनिमम गया है 41 पर। एसटी कैटेगरी में देख लीजिए 3 स्टूडेंट है, 46.5 से स्टार्ट है और 34 पर ये रुक गई है। नोट में लिख दिया है कि यहाँ पर EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए उनकी लिस्ट अलग से नहीं निकाली गई है, उनको जनरल में ही ले लिया गया होगा। दूसरे पॉइंट को आप रीड कर लीजिए, लिख दिया गया है काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन एमपीएड कोर्स विल बी कंडक्ट ऑन 17 and 18 नवंबर 2021। तो ध्यान रखिएगा तारीख दे दी गई है 17 और 18 नवंबर 2021। तीसरे पॉइंट को रीड कर लीजिए, यहाँ पे लिखा गया सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द काउंसलिंग लेटर फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिएगा, जो आपकी मेल है जो आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त दी थी उस पर आपको ये लेटर मिल सकता है, वहां पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी काउंसलिंग से रिलेटेड, डेट भी दे दी गई होगी और आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने आपको वाया ईमेल दे दी होगी, आप अपनी मेल चेक कर सकते हैं। और आप अपनी फी कहां से डिपॉजिट करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपकी लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी साथ ही साथ आपकी डाल दी गई है। वेटिंग लिस्ट में जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट है और मिनिमम यहां पर, और जो यहां पर मिनिमम है वो 27% है और जो मैक्सिमम है वो 56% है। इसी तरीके से यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर 12 स्टूडेंट हैं, ये 41.5 है और जो मिनिमम है वो 31 है। एससी कैटेगरी के अंदर एक ही स्टूडेंट है, 32% है। फी आप कैसे डिपॉजिट करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपना समर्थ वाला पोर्टल यूज करना है, जहां से आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वहीं पर आपको फी की डिटेल मिल रही होगी, आपको फी पेमेंट का ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा। यदि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, उनको बताइए कि आपका नाम मेरिट में आ गया है और आपको अभी तक भी फी पेमेंट का
ऑप्शन नहीं मिला है। यदि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है तो आप वहां से अपनी फी पेमेंट कर दीजिए। फी पेमेंट करने के बाद आपको वहीं पर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी मेल पर भी आपको फी रिसिप्ट भेज दी जाएगी। यदि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है और आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप 1 से 2 घंटे का वेट कीजिए, वापस से लॉग इन करके देखिए एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है या नहीं मिलता है। यदि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल भेज सकते हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने फी पेमेंट कर दी है, आपकी ये ट्रांजेक्शन डिटेल है और उसके बाद भी आपका पेमेंट अभी तक आपकी लॉग इन आईडी पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, आपके काम की हो सकती है। इन फ्यूचर में फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। चलिए थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका खैर, थैंक यू, धन्यवाद।